अब बात करें अगर एग्री कमोडिटीज की, तो एग्री कमोडिटीज के अंदर भी आज काफी ऐसी कमोडिटीज है जिसमें खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है और बाजारों के अंदर एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम बनती हुई नजर आई है। सबसे पहले बात करेंगे हम कैस्टर सीड की। कैस्टर सीड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना है और कैस्टर सीड जो 6000 के नीचे लुढ़क गई थी, आज अच्छी खासी तेजी के साथ आधा फीसद की तेजी आज भी देखने को मिल रही है। कल के कारोबारी सत्र में भी एक अपसाइड मोमेंटम बना था और 6100 के ऊपर आज कैस्टर सीड कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है और यहां से माना जा रहा है कि कैस्टर सीड अब 6200 तक का इंट्राडे में आज हाई लगाती हुई दिखाई दे सकती है। कल के कारोबारी सत्र में आज भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अगर बिनोला खल की, तो बिनोला खल में भी अच्छी रैली आई है। कल भी अच्छी अपसाइड मोमेंटम बनी थी और आज भी बाजार खरीदारी के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं और 3400 से 3500 का टारगेट जनवरी वायदा में भी संभव है कि 3400-3450 तक मैक्सिमम जनवरी वायदा जा सकता है, एक्सपायरी पास है। इसीलिए जनवरी वायदा के अगेंस्ट हुए फरवरी वायदा में 3500 के स्तर लेकर चला जा सकता है। तो यानी कि बिनोला खल में भी अभी 100 से 150 रुपए की तेजी करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। वहीं अगर नजर दौड़ाए मसालों के अंदर, तो मसालों में भी खरीदारी आई है। सभी मसालों के अंदर एक अच्छी खासी मांग पिकअप होते हुए हमने देखी है, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो या फिर हल्दी, सभी मसालों में एक तेजी का रुझान बनते हुए दिखाई दे रहा है और मसालों में सबसे ज्यादा तेजी जो है हल्दी के साथ साथ धनिया भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और धनिया अब उम्मीद है कि जनवरी वायदा जो एक्सपायरी के बेहद करीब है 10000 के पार जा सकता है। वहीं अप्रैल वायदा में 10800 तक के स्तर संभव है कि धनिया में देखने को मिल सकते हैं। धनिया के साथ साथ अगर देखा जाए जीरे ने भी अच्छी खासी रैली दिखाई है, जीरे में भी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीरा 20000 के स्तर आने वाले दिनों में मार्च वायदा में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 18500 के ऊपर अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप हुए हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड अच्छी निकल रही है मसालों की, कुछ क्रॉप डैमेज की भी खबरें निकल कर आ रही हैं जिसके चलते मसालों में खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं हल्दी की बात करें, तो हल्दी भी अच्छी खासी तेजी के साथ आज भी 10000 के ऊपर, 10500 के ऊपर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि हल्दी भी 11000 से लेकर, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आउटलुक लेकर चले तो 12000 तक ऊपर में देखने को मिल सकती है। वहीं नीचे में 9800 का स्तर देखने को मिल सकता है। मसालों में एक अच्छी खासी तेजी के साथ खरीदारी में रहा जा सकता है। वहीं अगर बात करें खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में बाजार सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ अरसों से हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों के अंदर ऊपरी स्तरों पर दबाव घेराता हुआ नजर आया है। सभी खाद्य तेल एक दबाव के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसके चलते बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। कीमतें हालांकि एक साल पहले के मुकाबले अधिक है, लेकिन अक्टूबर 2021 से देखें तो दाम लगातार घटते हुए दिखाई दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक मूंगफली तेल का औसत खुदरा मूल्य 180 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि सरसों का 184 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो खाद्य तेल की कीमतों में ऊपरी स्तरों पर लगातार दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार का मानना है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती और जमाखोरी रोकने के लिए जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है उसके चलते खाद्य तेलों में कीमतों में कमी आई है और आगे ये कमी और भी बनी रह सकती है। कीमतों के ऊपर और भी ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको बता दें कि खाद्य तेलों के आयात पर भारी निर्भरता के कारण घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते खाद्य तेलों की कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है और खाद्य तेल की कीमतें फिलहाल ऊपरी स्तरों से लुढ़कती हुई दिखाई दे रही हैं और अभी यहां से लगता है कि खाद्य तेलों में दबाव और गहरा सकता है। वहीं अगर बात ग्वार गम और ग्वार सीड की जाए, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में आज बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आज हावी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल मांग इन स्तरों पर थोड़ी सी कम होती दिखाई दी है, जिसकी वजह से प्राइजेस लुढ़कते नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रेंड अभी भी ग्वार का पॉजिटिव है। माना जा रहा है ग्वार के अंदर नए हाई फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कच्चे तेल में भी तेजी है, उसका असर भी ग्वार की कीमतों पर पड़ सकता है। ग्वार गम की बात करें तो फरवरी वायदा 12000 के ऊपर जा सकता है और वहीं अगर सीड की फरवरी वायदा की बात करें तो 6500 से लेकर 6800 का स्तर फिलहाल लेवल जो है वो टेक्निकली बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इसके अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है।
वहीं अगर एग्री कमोडिटीज के अंदर आज इंट्राडे की बात की जाए तो आज इंट्राडे के अंदर एक तो कैस्टर सीड के अंदर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। कैस्टर सीड में अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो वहां पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए 6080 के आसपास फेब्रुअरी वायदा में, वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं बिनोला खल में भी 3500 के टारगेट के लिए फेब्रुअरी वायदा में 3360 3340 के आसपास खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इन कमोडिटीज के अंदर फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करेंगे कपास की। कपास के अंदर आज फिलहाल बाजारों के अंदर हल्की करेक्शन देखने को मिल रही है। लगातार तेजी के साथ कपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सरकार की तरफ से जो प्रोडक्शन की खबरें निकल कर आ रही है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कपास के ऊपर की कीमतों में लगातार तेजी आती हुई दिखाई दी है। वहीं आपको बता दें कि एमसीएक्स पर भी इसका अब एडिशनल मार्जिन लगा दिया गया है ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। लगातार कॉटन की महंगाई को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते एमसीएक्स ने वायदा पर फिलहाल 3% एडिशनल मार्जिन लगा दिया है, जो कि आज से यानी कि लागू हो जाएगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या कॉटन की तीन कीमतों में आगे तेजी बरकरार रहेगी या फिर कीमतें लुढ़कती हुई दिखाई देंगी। दरअसल जो फंडामेंटल रिपोर्ट्स है, फंडामेंटल रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉटन में फिलहाल तेजी का माहौल बना रह सकता है, लेकिन जो सरकार ये एमसीएक्स की तरफ से जो मार्जिन लगाया गया है, इसके चलते हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर दबाव देखने को मिले और उसके चलते कीमतों के अंदर एक प्रेशर जो है वो जनरेट हो सकता है। लेकिन कॉटन की कीमतें आगे आने वाले दिनों में फिलहाल 10 से 15 दिनों में और भी तेज होती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि मांग और सप्लाई में अभी काफी मिसमैच देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कीमतों को सपोर्ट मिला था और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी प्रोडक्शन का उत्पादन जो है वो कम रहने की आशंकाएं हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश से भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब आगे चलकर कीमतें और ज्यादा थोड़ा सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे सकती हैं। बांग्लादेश, चीन, वियतनाम ऐसे देश हैं जो भारत से कॉटन इंपोर्ट करते हैं। कॉटन की कीमत बढ़ने से इन तीनों देशों में भी और यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे भारत में जो कीमतें तेज हुई हैं, उसका असर ये देखने को मिला है कि जो ये तीन देश भारत से इंपोर्ट करते थे, अब इन्होंने अपना रुझान जो है यूएस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर दिया है और वहां से कॉटन को इंपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो माना यह जा रहा है कि भारत में कीमतें लगातार अपसाइड मोमेंटम में है और क्रॉप डैमेज की जो खबरें निकल कर आ रही है वो एक और चिंता का विषय है। आगे चलकर कॉटन की कीमतों में और भी अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन ये तेजी शॉर्ट टर्म हो सकती है। तो अब बात करें अगर एग्री कमोडिटीज की, तो आज इंट्राडे में एग्री कमोडिटीज में बिनोला खल एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है और बिनोला खल के साथ साथ मसालों में भी आज खरीदारी करके चला जा सकता है।